किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि खुशियाँ आए तो खा लेना मिठाई समझ कर, और गम आए तो दोस्तों मोहम्मद, और आप देख रहे हैं देहाती लाइफ मोटिवेशन ब्लॉग। तो दोस्तों जिस भाई ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपको इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों मेरा तरफ से जितना मेरा यूट्यूब परिवार है सबको मेरा तरफ से नया साल मुबारक। मेरा पास टाइम नहीं है वीडियो बनाने का, मैं जो है ना अभी ड्यूटी में ही हूँ, आप लोग देख पा रहे हो, और इधर ठंडी का टाइम बहुत ज़्यादा है, और मैं आप लोगों को मुबारक देने के लिए साइड पे ही आके, मतलब काम पे ही आके एक वीडियो बना के आप लोगों को दे रहा हूँ। तो दोस्तों खुश रहे, आबाद रहे, और पुराने साल में जो इच्छा था इस साल में पूरा हो जाए, आप लोगों का मेरा यही दुआ है आप लोगों के सामने। तो दोस्तों कभी खुशी कभी गम हमेशा याद कर लेना ऊपर वाले को। छोटा सा कहानी लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। एक दो दोस्त था, जो दोस्त कहते हैं एक दोस्त की याद हमेशा ऊपर वाले को जो है ना गम में ही लोग याद करते हैं। तो दूसरा दोस्त कहता है यार नहीं यार ऐसा तो हो नहीं सकता, हमेशा ही याद करते हैं। तो दोस्त ने बोला ठीक है एक परीक्षा करते हैं, जैसे हम साइड पे काम करते हैं मजदूर है, तो मजदूर के सामने जो है ना कुछ पैसा फेंका तो चुपचाप उठा के जेब में रख दिया, दूसरा मजदूर के सामने भी रखा तो वो भी चुपचाप उठा के जेब में डाल दिया, तो तीसरा मजदूर के पास जो है ना एक पत्थर फेंका तो उसने तुरंत ऊपर वाले को देखा, ऊपर देखा और देखा कि सुपरवाइजर है। तो दूसरे वाले दोस्त ने बताया कि देखो ये दुख है, ये दुख में ही याद करते हैं सब, सुख में कोई याद नहीं करते। तो मैं कहता हूँ कि नया साल में ये हमेशा गांठ बांध के रख ले कि ऊपर वाले को हमेशा दुख में भी और गम में भी ज़रूर याद करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।